हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट में अधिकतम अंक दिलाने की गारंटी, एनसीईआरटी पर्यावरण चल रही है। और अभी तक हम लोगों ने 16 भाग डिस्कस किए हैं, जिसमें कक्षा 3 की और 4 की एनसीईआरटी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इस सीरीज़ में एनसीईआरटी बुक्स के सभी पाठों का सारांश डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद पिछले वर्षों में उन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है चैप्टर वाइज। और यहाँ पे हम भाग नंबर 17 में बात करेंगे एनसीईआरटी फाइव क्लास की एनसीईआरटी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने 16 भागों के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां पार्ट हल कर लिया है। इसके बाद हम इस भाग में बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की और पार्ट नंबर 8 की। तो इसमें ये जो दोनों चैप्टर हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आठवां चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं सातवां चैप्टर, क्या डूबा क्या तैरा। तो ये इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पानी में कब कब कौन सी कंडीशन में क्या तैरता है, क्या डूबा रहता है, बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। यही दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लड़का सोच रहा है कि छोटी सी जो सुई होती है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन एक बड़ा सा जहाज़ ये पानी पे तैरता रहता है। तो इसके मन में यही ख्याल आता है कि क्यों। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी पानी में तैरती रही। ये मुझे लगता है या इसलिए होगा हुआ होगा क्योंकि ये आपके चैप्टर में एक्सरसाइज में दिया हुआ है और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जब आगे क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है प्लास्टिक की खाली बोतल। तो पानी में प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरती रहती है, पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे हैं। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो, क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू तैरा होगा क्योंकि? तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक मृत सागर के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, है ना? एक एक्सपेरिमेंट जो किया गया था नींबू को नमक के पानी में तैराने वाला, सेम वैसी ही कंडीशन मृत सागर में भी है। ये आप ऐसे इस पर लेट सकते हैं जैसे, ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, आप डूबेंगे नहीं, इतना ज़्यादा खारा है। अब एक पानी कहाँ गया करके एक्सरसाइज है। एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी, वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गए। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी का पानी कहाँ गया होगा। तो ये वाष्पन का कॉन्सेप्ट है, वाष्प बन के उड़ गया होगा। अब दांडी यात्रा के बारे में जानकारी कर लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ऐतिहासिक घटना है। यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से
लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो इस कुछ तरीके से नमक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है मृत सागर क्या है? मृत सागर, यहाँ पे आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वथन, क्वथन का मतलब होता है उबलना, और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती, दूसरा ऑप्शन है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सी ऑप्शन है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। और डी ऑप्शन है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, इसका जो कारण है वो क्या है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। तो यही जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक कील डूब जाती है, इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है? तो ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी एक्सरसाइज में देख रहे थे। तो इसका मेन कारण है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। मच्छरों की दावत, मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों बाद स्कूल आया है, सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से आवाज़ में कहा। जसकीरत, घर पर तो खूब खेलते होगे? रजत ने बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी कराना पड़ा। तो ये रजत हैं अपनी कहानी बता रहे हैं सभी दोस्तों को। तो रजत ने बताया, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। तो जसकीरत ने पूछा, खून टेस्ट वह क्या? बहुत दर्द हुआ होगा रजत? नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा, 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। इसके बाद नैन्सी ने पूछा, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है? रजत ने बोला, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत ने कहा, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी ने बोला, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती ने बोला, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं रजत, होते तो अलग अलग होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये एक देख रहे होंगे कांच की स्लाइड है, इस पर खून की बूंदें हैं। इसके बाद डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए
इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ हज़ार गुना बड़ी दिखती है, इसीलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप से चीज़ें हज़ार गुना बड़ी दिखती हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। नैन्सी ने बोला, क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था रजत? नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में क्या क्या दिखा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? तो यहाँ पे क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको ऐसे ही आंसर अपने मन में सोचने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, और इनमें से जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको अभी लास्ट में करवाऊँगा। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है, इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज़ को मलेरिया है? मलेरिया की दवाई, तो इसको ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनने लगी है। तो ये एक रिपोर्ट है यहाँ पे, फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स, ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार, ये मलेरिया, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। तो ये भी याद रखना कि मलेरिया में इसके सिम्टम्स क्या हैं, या कैसे आप गेस कर सकते हैं कि मलेरिया हो सकता है। इसमें ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है जो हम लोग अभी लास्ट में देखेंगे। आरती ने बोला, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सीरिंज भरकर खून लिया गया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत ने कहा, वह क्या होता है? आरती ने बताया, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, और ये चीज़ें याद रखना, क्या क्या चीज़ें खाने के लिए बोला था। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने के लिए कहा, और यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत ने कहा हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती ने बोला, ओहो, या कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। फिर नेक्स्ट है एक और रिपोर्ट है जो हीमोग्लोबिन की है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनीमिया लिखा हुआ है ना। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये नॉर्मल रेंज होती है 12 से 16 ग्राम प्रति डीएल है ना, और इनका निकला था 8 ग्राम प्रति डीएल। तो ये नॉर्मल 12 से 16 होना चाहिए, लेकिन इनका 8 था। अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा था? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है? तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है। किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। मच्छर के बच्चे, जसकीरत, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है, सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। तो ये था पोस्टर, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा सकें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। तो ये इतने उपाय बताए गए हैं कि मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है। रजत ने बोला, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? नैन्सी ने बोला, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती ने बोला, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था, उसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई।
मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। रजत, फिर तुमने क्या किया? पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखा कर उल्टा रख दिया। जसकीरत, मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती है? तो मक्खियाँ भी बीमारियाँ फैलाती हैं, ये आप सभी भी जानते होंगे। ये है मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। तो इनका नाम केवल आपको याद रखना है। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे, है ना? तो रोनाल्ड रोज का नाम याद रखना है, मच्छरों की कहानी यही सुना रहे हैं। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर तक झांक ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं चला सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई, हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छीटेदार थीं। उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। अब ये था चैप्टर, इसके अब क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं, यही आपको आंसर देना है। पहला है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, है ना? दूसरा है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। फिर तीसरा है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, है ना? तो ये सारे ऑप्शंस आपके हैं, इनमें से जो आपको सही आंसर लगता हो वो आप बता सकते हैं। तो इनका जो सही आंसर है वो पहला ही है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, है ना? अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया? तो ये और कोई नहीं बल्कि रोनाल्ड रोस थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ये वही जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मच्छरों से। तो रजत पीड़ित है मलेरिया से, है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है, तो ये एक बार फिर से पूछा गया है। इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया,
मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा। तो हैजा तो मक्खियों से फैलता है, लेकिन ये जो आपके हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये मच्छरों से फैलते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं, तो कौन से निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। ये आपके लौह, हीमोग्लोबिन, लोहा, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। अनीमिया होता है तो आयरन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और उसके लिए आंवला खाया जाता है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है, तो फिर मलेरिया की पहचान इससे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। तो पहली सावधानी है, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। बी ऑप्शन है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी ऑप्शन है, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और डी ऑप्शन है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है, यहाँ पे कोई बीमारी है जिसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसको बोला जाता है, इनसे बचने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर लगा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं, मच्छरों से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इसमें जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से होता है, और जो डेंगू होता है वो मादा एडीज मच्छर से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया ये मादा एडीज मच्छरों से होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मच्छरों से होने वाली बीमारियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो इस क्वेश्चन को आप देख चुके हैं, कम से कम 3 से 4 वर्ष पूछा गया है लगातार अलग अलग सालों में। तो मच्छरों से होने वाली बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है? तो ये 3 बीमारियां हो गई मच्छरों से होने वाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, ये मलेरिया बीमारी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्यों? क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। आप जानते ही होंगे कि जब पानी की सतह पर तेल छिड़का जाता है तो एक अलग सी परत बन जाती है, और उस परत की वजह से जो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं घुल पाता है या फिर पानी में नहीं जा पाता है। तो तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो आयरन किन तत्वों में प्रचुर मात्रा में होगा? आंवले में होता है, पालक में होता है और गुड़ में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम, आपने चैप्टर में पढ़ा था घरेलू मक्खी से होने वाले रोगों पर चर्चा करनी थी, तो ये मैंने अलग से लिखा है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। और घरेलू मक्खी से होने वाली मुख्य बीमारियां हैं टाइफाइड बुखार, हैजा, पेचिस या दस्त, टीबी, कुष्ठ रोग, गिल्टी रोग, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना? तो इतनी बीमारियां होती हैं घरेलू मक्खी से, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक बार और इन मच्छरों के नाम याद कर लीजिए, मच्छरों से होने वाली बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होती हैं। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज से, और डेंगू और चिकनगुनिया होता है मादा एडीज से।
और ये थे आपके इन चैप्टर्स के क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग उनके लिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है।